हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू निशाज डायरी। लास्ट टाइम जो हमने शवरमा की रेसिपी शेयर की थी आपसे, वो थी घर में पड़ी हुई चीज़ों से हम कैसे घर पर शवरमा बनाएं। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो रेसिपी कमर्शियल है और रेस्टोरेंट में जैसे स्टाइल से बनाया जाता है, उस स्टाइल से आज हम बनाएंगे। तो आइए हमारे साथ चलें आप। हम शुरू में ये हाफ़ के जी का हमारा पीस है, ये बोनलेस चिकन है। अब इसके हम स्लाइसेस करेंगे, पतले पतले स्लाइसेस करेंगे। उसके बाद हम आधा कप सिरका और एक चम्मच नमक डालकर हम इसमें 5 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। ये चिकन के मैंने स्लाइसेस बना लिए हैं, ये इतने प्यारे प्यारे स्लाइसेस बनाए हैं, ये देखें। सबसे पहले हम इसको बोल में कन्वर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक कप सिरका है, इसको हम ऐड करेंगे इसमें। आधा चम्मच नमक डालेंगे। ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं, सिरका और नमक। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पाँच मिनट का इंतज़ार। चिकन हमारे तक पूरा है मैरिनेट, तब तक हम तमाम सब्जियों की कटिंग करेंगे। ये कुछ सब्जी मैंने कटिंग की है। इन सब्जियों की कटिंग करने के लिए कुछ बातों का ख्याल बहुत जरूरी रखना होता है, जैसे कि इनके बीज निकाल देने होते हैं। एक तरीका, एक मखसूस तरीका है, उसी तरीके से हमको कट कटिंग करनी है। जैसे कि हम बीज निकाल देंगे, बीज हम किसी में भी ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे हमारी ब्रेड नरम पड़ जाती है। मुझसे पहले ये इसकी हमने बीज निकाल दिए हैं, बीज हम सबके निकाल देंगे। ये बीज मैंने इसकी निकाल दी है। अब मैं इसकी स्लाइसेस बना लूँगी, पतले पतले स्लाइसेस बना लूँगी। अब हम टोमेटो काटेंगे, टोमेटो का ऊपर का पार्ट निकाल देंगे। इसके भी मैं बीज निकाल दूँगी ताकि हमारा ब्रेड नरम ना हो। उसके बाद मैं इसके स्लाइसेस बना लूँगी। ये हमारी बंद गोभी है, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। इसके ऊपर के 2-3 पत्ते मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ये भी हमारी ब्रेड को नरम करते हैं। स्लाइसर लेंगे, इससे हम ग्रेट करेंगे। ये हमारी देखिए कितनी प्यारी कटिंग हो गई है हमारी। ये सलाद पत्ता है, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये प्याज है, प्याज को मैं प्याज कैसे हम रिंग स्लाइसेस काट लेंगे। तो मैंने सबसे एंड में काटा है, एंड में ही छीला है, क्योंकि इसका कलर उतरता है और सारी सब्जियां हमारी कलर वाली हो जाएंगी। इसकी हम स्लाइसेस कर पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर देंगे। वेलकम बैक। चिकन हमारा हो गया है मैरिनेट। अब हम इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये मैंने ऑयल डाला है, मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। ये सारे पीसेस जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपके पास। वेलकम बैक जी। ये हमारे चिकन फ्राई हुए, ये चिकन स्लाइसेस हमारे फ्राई हुए हैं। अब मैं इनको कट करूँगी। कट कैसे करूँगी इनको, इनके श्रेडेडली इनको मैं कट करूँगी, छोटे छोटे इनकी पीसेस बनाऊँगी मैं इनके। चिकन हो गया है हमारा रेडी, देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा है। अब हम फटाफट इसकी फिलिंग करेंगे और खाने के लिए रेडी हो जाएंगे हमारे। ये मैंने मार्केट से ख़रीदी हैं, ये पीटा ब्रेड्स होती हैं, पीटा ब्रेड के नाम से मिल जाती हैं, शवरमा ब्रेड के नाम से मिल जाएंगी। ये मैंने ला के थोड़े थोड़े से सेक लिए। अब सबसे पहले मैं सॉस लगाऊंगी इस पर। मायोनीज हमारे घर पर अवेलेबल होती है, ये मायोनीज सॉस बनाई है मैंने, और ये टमाटर केचप, ये तीनों चीज़ें हमारे घर पर मौजूद होती हैं। सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी, उसके बाद फिलिंग शुरू कर देंगे अपनी।
ये मैंने मायनीज लगा दी है, ये मैंने मायो सॉस है, ये टू टेस्ट आप लगा सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगाएं। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अब हम लगाएंगे इस पर चिकन, हमारा चिकन के पीसेस रखेंगे इस पर। चिकन के पीसेस सेट किए, अब हम सब्जियां रखेंगे अपनी। ये आ गई सबसे पहले हमारे चिकन, प्याज के स्लाइसेस, ये हमारे खीरे, मैंने खीरे रख दिए हैं, ये टोमेटोस। वैसे सब्जियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मैं खाती हूँ उनको। ये हमारी चुकंदर के स्लाइसेस रख दिए मैंने, ये सलाद के पत्ते, और ये हमारी बंद गोभी। चलिए ये मेरा शिमला मिर्च, अब करेंगे हम इसको फोल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बटर पेपर लें, उसको हाफ बाहर हाफ अंदर ऐसे करके आप फोल्ड करें। और ये हो गया हमारा तैयार शवारमा, ख़ुद भी खाएं अपने बच्चों को भी खिलाएं, बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे। तीन तीन ना।